नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रीज क्लास में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले इंडक्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस। तो इंडक्टर को हम सीरीज में और पैरेलल में किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं, क्या उसके कॉम्बिनेशंस रहेंगे, उसके बारे में आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी प्रीवियस वीडियो या आने वाली वीडियो सभी आप प्लेलिस्ट से एक्सेस कर सकते हैं। चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप सभी वीडियोज को देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको वहाँ पर अवेलेबल है, मिल जाएंगे, आप वहाँ पर देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि इंडक्टर को सीरीज और पैरेलल में किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं। इससे पहले इंडक्टर के बारे में हम बात कर चुके हैं कि इंडक्टर होता क्या है, किस प्रकार से उसकी फंक्शनिंग होती है, तो आप प्रीवियस वीडियोज में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो इंडक्टर को सीरीज में पहले देखते हैं हम कि सीरीज में किस प्रकार से रहता है इंडक्टर। इंडक्टर्स इन सीरीज, ओके। टोटल इंडक्टेंस को हम किस प्रकार से डिनोट करते हैं, एल टोटल से। हम सभी जानते हैं कि इंडक्टर को हम एल से डिनोट करते हैं, तो जब टोटल इंडक्टेंस है वो एल से डिनोट होती है, ठीक है। व्हेन इंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब इंडक्टर्स सीरीज में कनेक्ट होते हैं, द टोटल इंडक्टेंस इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल इंडक्टेंस। तो ये सिंपल सी बात है कि जो टोटल इंडक्टेंस रहेगा वो सारे की सारे इंडक्टेंस का सम रहेगा, इंडिविजुअल अलग अलग से जितने भी इंडक्टेंस रहेंगी हमारी। देख, मान लीजिए कि एक ये इंडक्टर है हमारा, एक ये इंडक्टर है, एक ये इंडक्टर है, ये तीनों इंडक्टर अलग अलग तरीके से कनेक्ट है, L1, L2, L3। तो हम जिन तीनों का ऐड करेंगे, L1 प्लस L2 प्लस L3, तब जाकर हमारा L टोटल बनेगा, ठीक है, जो कि हमारी टोटल इंडक्टेंस। तो कुछ इस प्रकार से, तो वहीं पर मैथमेटिकली हम इसको किस प्रकार से लिखते हैं, L टोटल इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस 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 LN। LN N का मतलब क्या है, नंबर। नंबर में कितना भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6। तो ये डिनोट करने के लिए दिखा रखा है यहाँ पर, ठीक है। करंट थ्रू इंडक्टर्स, अब करंट की अगर हम बात करें इंडक्टर्स के थ्रू किस प्रकार से फ्लो करता है, द सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल द इंडक्टर्स इन सीरीज। तो जब हम इंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो हमारा करंट का फ्लो होता है वो सभी में सेम रहता है, ओके। तो आई टोटल क्या होता है हमारा, I1, I2, IN, चाहे कोई सा भी करंट हो, वो सारे के सारे सेम रहते हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो ये हमारा इंडक्टर कुछ इस प्रकार से दिखता है, ये आप देख भी सकते हैं, ठीक है। कॉइल्स बनी होती है, रियल लाइफ में हमारा इस प्रकार से दिखता है, ये कॉइल्स बनी होती है, इस प्रकार से कनेक्ट होता है ये हमारा सीरीज में, ठीक है। तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है इंडक्टर में, वो हम देखते हैं। द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर्स इन सीरीज इज सम ऑफ द इंडिविजुअल वोल्टेजेस, ठीक है। तो जो वोल्टेज होती है इंडक्टर्स के अक्रॉस, वो क्या होता है, सभी वोल्टेजेस का सम होता है। जो टोटल वोल्टेज रहेगी हमारी, वो सभी वोल्टेजेस का सम रहेगा, ठीक है। वोल्टेज 1 का 2 का 3 का सबको मिला करके एक सम बनेगा, ठीक है। तो वोल्टेज हमारी क्या रहेगी, डिफरेंट डिफरेंट रहेगी, ओके, अलग अलग इंडक्टर के अक्रॉस, क्योंकि उनकी जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट रहती है, लेकिन जो हमारा करंट रहेगा वो सेम रहेगा, ओके ओके। तो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं हम सीरीज को, कि वो इंडक्टर सीरीज में किस प्रकार से काम करते हैं। सपोज यू हैव टू इंडक्टर्स, मान लीजिए हमारे पास दो इंडक्टर है, एक L1 है एक L2 है, ठीक है, विद इंडक्टेंस ऑफ 4 हेनरी एंड 6 हेनरी। तो L1 की वैल्यू 4 है, 4 हेनरी है, और L2 की वैल्यू 6 हेनरी है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यू वांट टू कनेक्ट देम इन सीरीज एंड फाइंड द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। तो हम उसको क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करना चाहते हैं, और L इक्विवेलेंट, EQ का मतलब क्या है, टोटल भी बोल सकते हैं हम, टोटल इंडक्टेंस या फिर इक्विवेलेंट, उन दोनों के बराबर जो इक्विवेलेंट रहेगा उस इंडक्टेंस को हम निकालना चाहते हैं। तो हम कैलकुलेशंस की बात करते हैं, तो कैलकुलेशंस में क्या रहेगा, द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल इंडक्टेंस LEQ फॉर टू इंडक्टर्स इन सीरीज इज सिंपली द सम ऑफ इंडिविजुअल इंडक्टेंस। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, सीरीज में जब हम बात कर रहे हैं तो L टोटल या फिर L इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो L1 प्लस L2 रहेगा, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, L1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज, L1 की वैल्यू क्या, 4H, H का मतलब क्या, हेनरीज की यूनिट होती है इंडक्टर की, ठीक है, प्लस 6H। मैं यूनिट इसलिए लेके चल रहा हूँ ताकि आपको यूनिट भी याद रहे कि हम इंडक्टर को हेनरी में परिमाप करते हैं, उसको माप करते हैं, ठीक है, उसको मेजर करते हैं। सो द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ द टू इंडक्टर्स इन सीरीज क्या रहेगा, L इक्विवेलेंट 10H। तो जब हम दो इंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, एक 4 हेनरी का, एक 6 हेनरी का है, तो जो टोटल इंडक्टेंस रहेगा, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस रहेगा, वो 10H हो जाएगा, 10 हेनरी हो जाएगा। तो बस यही होता है हमारा सीरीज में कनेक्शन इंडक्टर का, ओके। अब हम देखते हैं इंडक्टर का पैरेलल में कनेक्शन। तो इंडक्टर का पैरेलल में किस प्रकार से कनेक्शन होता है वो हम देखते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ टोटल इंडक्टेंस, तो जो टोटल इंडक्टेंस होती है, L टोटल या फिर L इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं हम,
जो हमने पहले भी देखा, वो क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल उल्टा होता है, वन के अपॉन में एल टोटल रहता है हमारा। तो व्हेन इंडक्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल इंडक्टेंस इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल इंडक्टेंस। सिमिलर रहेगा हमारा सीरीज की तरह, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, वन के अपॉन में आ जाएगा सब कुछ, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, एल वन प्लस एल टू प्लस एल एन जहाँ जितना भी है, बस रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये हमें चीजें ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें इससे प्रीवियस वीडियो में रेजिस्टर की, हमने जब बात करी थी सीरीज और पैरेलल में, तो उसका भी सेम रहा था, वो भी सीरीज में सेम था और इंडक्टर जो पैरेलल में उसका भी कनेक्शन इस प्रकार से था, ठीक है। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर्स की अगर हम बात करें, जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं इंडक्टर्स को, तो वो जो वोल्टेज है वो क्या रहेगी हमारी, तब वोल्टेज अक्रॉस ईच इंडक्टर इन पैरेलल, हम पैरेलल की बात करें, सीरीज की हम बात कर चुके हैं, तो जो वोल्टेज अक्रॉस ईच इंडक्टर इन पैरेलल इज द सेम, जब हम पैरेलल की बात करेंगे तो जो हमारी वोल्टेज रहेगी वो सेम रहेगी, इक्वल रहेगी टू द टोटल वोल्टेज। जो टोटल वोल्टेज है हमारी वी टोटल, वी वन भी वही वैल्यू रहेगी, वी टू की भी वही वैल्यू रहेगी और वी एन की भी वही वैल्यू रहेगी। तो पैरेलल में जो हमारी वोल्टेज होती है वो हमेशा सेम रहती है, ठीक है। करंट की अगर हम बात करें, द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर्स इन पैरेलल इज द सम ऑफ करंट्स थ्रू ईच इंडक्टर। तो जो करंट रहेगा वो क्या रहेगा, सम रहेगा सभी इंडक्टर्स का, करंट सेम नहीं रहेगा पैरेलल में। जब पैरेलल की बात करते हैं तो करंट कब हमेशा कभी भी सेम नहीं रहता, करंट डिवाइड हो जाता है। तो जो डिवाइड करंट है, मान लीजिए ये 2 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, ये 5 एम्पियर है, तो इन सबको जब हम प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, तब वो टोटल करंट बनेगा सर्किट का, ठीक है। तो करंट हमारा सेम नहीं रहता है पैरेलल में, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो इंडक्टर हमारा पैरेलल में किस प्रकार से कनेक्ट होता है वो हमने यहाँ पर देख दिखा रखा है। देखिए इस प्रकार से पैरेलल में कनेक्ट होता है। जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है, लेकिन करंट डिवाइड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि पैरेलल में किस प्रकार से काम करता है। सपोज यू हैव टू इंडक्टर्स, मान लीजिए हमारे पास दो इंडक्टर्स है, L1 एंड L2, विद इंडक्टेंसेज ऑफ 2 हेनरी एंड 3 हेनरी। जो इंडक्टेंसेज वो कितनी है, 2 हेनरी या 3 हेनरी रेस्पेक्टिवली। यू वॉन्ट टू कनेक्ट दैम इन पैरेलल एंड फाइंड द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। तो हम उसको क्या करना चाहते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करना चाहते हैं और उनका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालना चाहते हैं, जो LeQ से हम डिनोट करते हैं। तो कैलकुलेशंस किस प्रकार रहेंगी, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल इंडक्टेंस 1/LeQ फॉर टू इंडक्टर्स इज पैरेलल गिवन बाय। तो जो फॉर्मूला रहेगा वो पैरेलल में वो क्या रहेगा, ये वाला फॉर्मूला रहेगा, 1/LeQ इज इक्वल्स टू 1/L1 प्लस 1/L2, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर, अब हमने क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है सब्सटीट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज। तो जो L1 और L2 की हमें वैल्यू दी हुई है उसको हम पुट कर देंगे। L1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 हेनरी, L2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 हेनरी, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यूज है हमारी वो L1 की है, L1 और L2 की, ठीक है। यहाँ पर हमने डायरेक्टली लिख दिया है कि 1/L1 1/L2, लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिखना है, L1 L2 लिखना है, क्योंकि हमारे पास दो इंडक्टर्स है पैरेलल में, हम उसको बाद में कनेक्ट कर रहे हैं जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम फिलहाल यहाँ पर क्या लिखेंगे, सपोज यू हैव टू इंडक्टर्स L1 एंड L2 विद इंडक्टेंसेस ऑफ 2 हेनरी 3 हेनरी। 1 को अभी यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हमने L1 की वैल्यू पता है 2 हेनरी, L3 की वैल्यू हमें पता है 3 हेनरी, और फॉर्मूले में हमने इसको पुट कर दिया, 1/L इक्विवेलेंट इज टू 1/2H प्लस 1/3H। टू फाइंड द एल इक्विवेलेंट यू वुड टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। सिंपली सिंपल सी बात है कि हमें यहाँ पर एलसीएम लेना है और इसको सॉल्व करना है। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है, जो दोनों में कॉमन होता है। 6 को एलसीएम लेंगे, 6 को लेंगे तो ऊपर क्या, आप यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 × 2 = 6 होता है, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 × 2 = 6 होता है। तो 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5, 5/6, 5/6। और जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि एल इक्विवेलेंट निकालना है ना हमने, ये 1/L इक्विवेलेंट है, तो जब एल इक्विवेलेंट करेंगे तो वो 5/6 था जो, वो 6/5 बन जाएगा, और हमारे पास ये एल इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी। जब इसको हम डिवाइड करेंगे अच्छे से, तो दो सो द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ द टू इंडक्टर्स इन पैरेलल इज गिवन बाय एल इक्विवेलेंट 6/5 हेनरी या फिर 1.2 हेनरी। जब इसको हम डिवाइड करें तो जो हमारी वैल्यू आ जाएगी इंडक्टर की, जो हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो 1.2 हेनरी आ जाएगी, ठीक है। जब हम सीरीज में बात कर रहे थे तो जो हमारी इंडक्टर की वैल्यू आई थी वो 10 हेनरी आई थी, लेकिन उसमें वैल्यूज डिफरेंट थी। सीरीज और पैरेलल कनेक्शन हमने देख लिया किस प्रकार से होता है, कि पैरेलल कनेक्शन होता है हमारा और ये हमारा सीरीज में कनेक्शन होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो
तो पढ़िए और पढ़ाइए अपने दोस्तों या शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। और जो साथी मेरे साथ अंत तक बने हुए हैं, थैंक यू सो मच फॉर एंड थैंक यू सो मच अगेन।